Audio Jungle. इंदौर जिले के बेटमा में महाराणा प्रताप विचार मंच एवं धर्म जागरण मंच द्वारा नगर में विशाल शौर्य एवं समरसता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। शोभा यात्रा का शहर में कई मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप विचार मंच एवं धर्म जागरण मंच बेटमा द्वारा नगर में विशाल शौर्य एवं समरसता यात्रा का आयोजन महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती पर किया गया। यात्रा स्थानीय मंडी प्रांगण से शुरू हुई, जिसका पूरे यात्रा मार्ग में विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा राजवाड़ा चौक, गवली मोहल्ला, कुशवाहा मोहल्ला, त्रिवेणी चौक, अम्बेडकर मोहल्ला, सोसाइटी रोड होते हुए सभा स्थल पूरे बाजार पहुंची, जहां आगंतुक अतिथियों व प्रमुख वक्ताओं ने समाज में समरसता, एकजुटता व अखंडता लाने पर अपने विचार रखे। यात्रा में 3 घोड़ों पर महाराणा प्रताप, भामाशाह व राणा खेता की वेशभूषा में विराजमान थे, जो आकर्षण का केंद्र रहे। देखो साहब, आपने जितने राजा देखे होंगे ना, उसमें आप कभी भी राणा प्रताप का चित्र देखेंगे या उनकी प्रतिमा देखेंगे तो राणा प्रताप के पास 2 तलवारें होती थी। मैंने एक अपने मार्गदर्शक से पूछा कि आदरणीय, 2 तलवारों की क्या जरूरत है? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, गुरुजी, ये 2 तलवारें इसलिए हैं कि जब जब अगर युद्ध करने जाएं और सामने वाला दुश्मन नियत्ता हो जाए तो वो महाराणा प्रताप थे जो अपनी तलवार देकर उसे सम्मुख खड़ा करके कहते थे कि हाँ, मेरे सामने युद्ध कर। उस वंशज के लोग चार मंच के तहत हमने ये यात्रा निकाली है, जो महाराणा प्रताप थे जन जन के थे और पूरे नगर में और ग्रामीण क्षेत्र में हर समाज हर वर्ग को हमने निमंत्रित किया है और यात्रा में आने के लिए प्रेरित किया है और सब लोग आए भी। यात्रा निकाली गई, इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमारे महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा था, आज उसके पूर्ण स्मरण के रूप में हमने समरसता रैली निकाली है और इस रैली में पूरे नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और समरसता को हम लोगों ने आत्मसात किया। और महाराणा प्रताप की जो सामाजिक समरसता की नीति थी उसको आत्मसात करने के लिए बेटमा नगर का ये अभूतपूर्व आयोजन, अभी तो मैं कहूँ मध्य प्रदेश का ये अभूतपूर्व आयोजन है कि महाराणा प्रताप को सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है और उनकी यात्रा बेटमा में निकालकर सामाजिक समरसता का ये संदेश अभी तो पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में बेटमा नगर से जा रहा है। हम सब एक हों, मिलकर कार्य करें, देश हित के लिए कार्य करें, राष्ट्र हित के लिए कार्य करें, इसलिए सामाजिक समरसता की यात्रा आज अभूतपूर्व यहाँ निकली है। और मैं इस सामाजिक समरसता की यात्रा के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गोसेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष नेहा सिंह सोलंकी, प्रसिद्ध कथावाचक लोकेशानंद शास्त्री, सामाजिक समरसता के प्रमुख हरिराम सोलंकी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बेटमा से निर्मल पेरुलिया की रिपोर्ट।